आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जहां पे वीडीसी चेयरपर्सन जो हैं जैनापुरा ब्लॉक के गुलाम हसन ऋषि साहब जहां पे हैं, एक के पंडता साहब इमाम साहब के बीडीसी चेयरपर्सन जो है जहां पे हैं, और एक के पंडता साहब जितने भी वीडीसी हैं शोपियन डिस्ट्रिक्ट के उनके प्रेसिडेंट भी हैं, और सरपंच शाहनवाज मनोज पंडता जी दीगर सरपंच साहबान जहां पे हैं, और कश्मीर डिवीजन की कुछ शिकायत ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो हमारे अहदेदार हैं उनके पास लाई थी, उसी के मद्देनजर हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। हमारे आज तीन प्वाइंट जो है हम आदरणीय महामहिम उपराज्यपाल साहब जो हैं उनके नोटिस में लाना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की बदौलत, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब की बदौलत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बदौलत जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम हो रहा है, और इसी को देखते हुए आज का जो मौजू ये है हमारा कि 3 लाख तक ई टेंडरिंग जो है वो ना करवाई जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, और पंचायतों के अंदर जो ग्राम सभा हमारी रहती है ग्राम सभा को अथराइज किया जाए ताकि ग्राम सभा जो है वो डिसाइड करे कि गांव के कौन से बेरोजगार नौजवान को जो है वो कामकाज दिया जाए 3 लाख तक, और 3 लाख के ऊपर कोई भी काम है उसकी आप ई टेंडरिंग करवाए, और उसके साथ साथ जितने भी इस वक्त काम हो रहे हैं ई टेंडरिंग के माध्यम से बहुत सारे इलाका जात के से हमें जो है वो शिकायत आ रही है कि वहां पे सब स्टैंडर्ड काम जो है वो हो रहा है, और ठेकेदार कंट्रैक्टर और उसके साथ साथ ऑफिसर के साथ एक नेक्सस बन चुका है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है गांव के अंदर चाहे पंच साहबान हो सरपंच साहबान हो वीडीसी साहबान हो डीडीसी साहब, इनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो हम चाहते हैं कि ग्राम सभा इशू करे कंप्लीशन, हम ये नहीं कहते कि सरपंच इशू करे बीडीसी इशू करे डीडीसी इशू करे, इशू करे ग्राम सभा, ताकि ग्राम सभा जो है वो जो लोग हैं तमाम उस गांव के उनको पता चले कि मेरी नाली मेरी गली मेरा गांव के अंदर कोई स्कूल अस्पताल जो भी बन रहा है तो वो क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी का बन रहा है, अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो उस ठेकेदार की पेमेंट भी रोकी जाए, और ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की डिमांड है ताकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्राम सभा जो है वो इशू करे। उसके साथ साथ जो है अब विंटर सेशन है और कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं जहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी, और बर्फबारी जब होती है तो गांव के अंदर रहने वाली आवाम जो होती है उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो श्रीनगर है वहां पर तो कामकाज तेजी से होता है क्योंकि सीनियर मोस्ट ऑफिसर साहबान शहरों में रहते हैं तो में कोई होता नहीं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि 1 लाख रुपए की राशि हर एक पंचायत को कश्मीर डिवीजन के अंदर मुहैया करवाई जाए इन 2 महीनों के लिए 3 महीनों के लिए बर्फबारी की साफ सफाई के लिए, और उसके साथ जम्मू डिवीजन के अंदर भी जहां जहां जिस जिस इलाका जात के अंदर बर्फबारी जम्मू डिवीजन में भी होती है, राजौरी है पुंछ है आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट है आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा कुछ हिस्सा उसमें भी बर्फबारी होती है, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत सारा हिस्सा जहां पर बर्फबारी होती है, रियासी डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत सारा हिस्सा जिसमें बर्फबारी होती है, जहां जहां भी जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी होती है वहां पे 1 लाख रुपए की राशि हर एक पंचायत को दी जाए ताकि जो आवाम रहने वाली है उसको दुख और तकलीफों का सामना ना करना पड़े। जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा है उस सपने को अगर स्वीकार करना है तो उसके लिए ये चीजें करना जरूरी होगी ताकि आवाम जो है वो खुशहाल रहे आवाम जो है वो खुश रहे। तो ये हमारे 3 आज पॉइंट थे, पहला 3 लाख तक ई टेंडरिंग को रोका जाए जो है 3 लाख तक टेंडरिंग ना करवाई जाए वो ग्राम सभा के माध्यम से 3 लाख तक जो भी काम काज है वो ग्राम सभा अप्रूव करे कि किस शख्स को काम देना है किस नौजवान बेरोजगार नौजवान को काम देना है, और दूसरा जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जितने भी हमारे इस वक्त काम चल रहे हैं कपैक्स के माध्यम से सीडी पंचायत के माध्यम से या बैक टू विलेज के माध्यम से कहीं से भी अगर ई टेंडरिंग के माध्यम से काम चल रहे हैं उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ग्राम सभा जो है वो दे इशू करे, और उसके साथ साथ जो है जो जिन इलाका जात के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी होने वाली है या हो रही है उस बर्फबारी को साफ सफाई के लिए 1-1 लाख रुपया हर एक पंचायत को जो है वो दिया जाएगा।